हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम सीरीज पढ़ रहे थे, तो जो सीरीज का हमारा टॉपिक था उसमें हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हिंदी में बोलते हैं इसको श्रेणी का अभिसरण। श्रेणी का अभिसरण, इसमें जो हमने सबसे पहले जो रिजल्ट पढ़ा था वो था कि अगर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन, इसकी वैल्यू अगर l आती है, और l हमारे पास क्या बनता है? फाइनाइट बनता है, परिमित बनता है एंड यूनिक बनता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तब सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट निकालने का तरीका था, तब सीरीज क्या बनेगी? कन्वर्जेंट बनेगी। अगर इसकी वैल्यू एल आती है लेकिन इन्फाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी आती है एल की वैल्यू, मतलब समेशन एन इज गल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है तो सिक्वेंस कैसी बनती है? डाइवर्जेंट बनती है, अपसारी बनती है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास दो तीन वैल्यूज के बीच में वेरी करती है ना, फाइनाइट वैल्यू तो आती है लेकिन यूनिक नहीं आ पाती है, वेरी करती रहती है दो तीन वैल्यूज़ के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलेट फाइनाइट कहते हैं, परिमित दोलनी कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास कभी माइनस इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में ऑक्सिलेट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलेट इन्फाइनाइट कहते हैं, अपरिमित दोलनी कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था चेक करने का। दूसरा हमने क्या चेक किया था कि आज आप लोगों को SOPS निकालना है। SOPS में SN जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है, x1 प्लस x2 प्लस सोन xn, ये होता है फर्स्ट n टर्म्स का सम। कौन होता है? SN होता है। और अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN के ऊपर, और वैल्यू अगर मेरे को l मिले जो कि क्या है? फाइनाइट है एंड और क्या है? यूनिक है। फाइनाइट है और यूनिक है, तो हम क्या बोलते हैं? सीरीज जो मिलेगी, सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। सीरीज एक्शन कैसी मिलती है? कन्वर्जेंट मिलती है। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलती है तो डाइवर्जेंट मिलती है, अपसारी मिलती है। अगर इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यूज के बीच में ऑक्सिलेट करती है तो ऑक्सिलेट फाइनाइट बनती है, ठीक है, परिमित दोलनी बनती है। और अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में ऑक्सिलेट करती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलेट इन्फाइनाइट, मतलब अपरिमित दोलनी कहते हैं। ये हमारे पास मेथड नंबर दो था। उसके बाद मेथड नंबर तीन कि इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम कुछ नहीं कह पाते हैं, मतलब उल्टा मैं लिख देता हूँ इसको एक बार कि समेशन एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी अगर कैसा है? इज कन्वर्जेंट, अगर अभिसारी है तो हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस एक्स एन, मतलब जो एक्स एन है एन एथ टर्म, उसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी। लेकिन अगर इसकी लिमिट जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं क्या, कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू जीरो नहीं आई है, जीरो नहीं आई है, तो मैं क्या बोलूँगा? सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट ये पक्का हमें क्या मिलेगी? डाइवर्जेंट। ये कब है? जब हमारे पास ये क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज चल रही है। पॉजिटिव टर्म सीरीज है तब हमारे पास ऐसा मामला रहता है। और अगर सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी लिमिट जीरो मिलेगी कि नॉन जीरो मिलेगी, तो जो इसका उल्टा है वो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने मेथड लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद जो तीसरा मेथड है ये हो गया। चौथा मेथड जो है सीरीज का कन्वर्जन चेक करने का वो है चौथा मेथड जो है वो लिखता हूं मैं इधर फोर्थ था कि अगर आप लोगों ने क्या देखा है, एक सीरीज दे रखी है समेशन एक्स एन, तो मैं एक सीरीज और बनाता हूं, कौन? समेशन वाई एन बनाता हूं। अगर एक्स एन की हर एक वैल्यू वाई एन की हर एक वैल्यू से छोटी या बराबर है, एक्स एन की हर एक टर्म वाई एन की हर एक टर्म से छोटी या बराबर है, तो हमारे पास केस बनता है क्या? तब हमारे पास केस बनता है देन
कि इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट, अगर समेशन वाई एन कन्वर्जेंट होती है तो छोटी भी क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी, समेशन एक्स एन भी क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी, अभी सही बनेगी। फर्स्ट तो ये था, सेकंड क्या था, अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, अगर छोटी वाली कन्वर्जेंट है तो बड़ी वाली में कुछ नहीं कह सकते, तो इफ समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, समेशन वाई एन इज नीड नोट बी कन्वर्जेंट, नीड नोट बी कन्वर्जेंट। थर्ड, अगर हमारे पास समेशन वाई एन बड़ी वाली ही डाइवर्जेंट बन जाती है तो छोटी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इज डाइवर्जेंट, तो कांट से अबाउट समेशन एक्शन, अगर बड़ी वाली हमारे पास डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और फोर्थ था हमारे पास कि अगर छोटी वाली डाइवर्जेंट बन जाती है, इफ समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट, तब मैं क्या बोलूँगा, तब समेशन एक्स एन, अगर समेशन एक्स एन अगर डाइवर्जेंट है तो समेशन वाई एन भी क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी, समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट। तो ये हमने कल चार नोट और पढ़े थे, ठीक है, ये भी एक हमारे पास टेस्ट है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट कौन सा पढ़ा था, नेक्स्ट टेस्ट था हमारे पास पी सीरीज टेस्ट, कौन सा था, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट में हमने क्या किया था कि अगर समेशन एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू अगर हमें इधर रखी है समेशन वन अपॉन एन टू द पावर पी, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये कन्वर्जेंट कब होगी, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, ये जो है सीरीज ये कन्वर्जेंट मिलेगी, इफ पी ग्रेटर देन वन, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब तो ये क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी, और अगर पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन मिली, इज डाइवर्जेंट, इफ पी लेस देन इक्वल टू वन, अगर पी की वैल्यू वन या वन से छोटी है तब तो क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी, और अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी है तो क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी। ये चीज़ें भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था इसके बारे में भी, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवाता हूँ, और इसके जो और भी हमारे पास टेस्ट हैं इसको हमने क्या नाम दिया था, कंपेरिजन टेस्ट नाम दिया था, कंपेरिजन टेस्ट नाम दिया था। तो और इसके एक दो कंपेरिजन टेस्ट और हैं, वो भी हम पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। कंपैरिजन टेस्ट सेकंड हिंदी में लिख दूँ उसको, तुलनात्मक परीक्षण सेकंड। तुलनात्मक परीक्षण सेकंड क्या है, देखना, इफ समेशन एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एंड समेशन वाई एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी टू सीरीज एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी टू पॉजिटिव सीरीज, जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे सारे के सारे पॉजिटिव सीरीज के ही पढ़ेंगे, भले मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगाऊँ या ना लगाऊँ, तो आप लोगों को सबको क्या समझना है, पॉजिटिव सीरीज ही समझना, क्योंकि लास्ट में एक चैप्टर मतलब एक क्लास का जितना ही रहेगा हमारे पास अल्टरनेट सीरीज का, जिसमें प्लस माइनस आती हैं, उसके अलावा बाकी सारी क्लासेज में मैं क्या पढ़ाऊँगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड लिमिट एक्स एन अपॉन वाई एन, लिमिट एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू आती है एल, और ये कैसे रहती है, फाइनाइट रहती है एंड नॉन जीरो रहती है, फाइनाइट और नॉन जीरो रहती है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं बननी चाहिए और साथ में क्या बननी चाहिए, परिमित रहनी चाहिए, जैसे वन टू थ्री फोर ऐसे वैल्यू आनी चाहिए, जीरो भी नहीं बननी चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं बननी चाहिए, तब हमारे पास क्या बनेगा, देन समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन बिहेव्स अलाइक,
ये दोनों जो हैं समेशन एक्स एन और समेशन वाई एन है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। मतलब दैट इज इफ समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट। दूसरा है इफ समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट। इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट, मतलब इसका उल्टा भी है हमारे पास, तो बोलूंगा इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट। और लास्ट हमारे पास है कि इफ समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट। ये है हमारे पास, हिंदी में लिख देता हूँ मैं इधर साइड में, देखना क्या बनेगा। पहले समझ लो, अगर हमारे पास एक्स एन और वाई एन दो सीरीज हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, एंड एक्स एन अपॉन वाई एन के ऊपर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाता हूँ, और वैल्यू अगर हमें कैसी मिलती है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलती है। नॉन जीरो फाइनाइट का मतलब क्या है, ना तो जीरो बने और ना ही इन्फिनिटी बने, जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ करके कुछ भी बन जाए। तो मैं क्या बोलूँगा, समेशन एक्स एन और समेशन एन वाई एन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। बिहेवियर एक जैसे का होने का मतलब क्या है कि अगर समेशन एक्स एन कन्वर्जेंट है तो समेशन वाई एन भी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज एक्स एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज वाई एन भी डाइवर्जेंट होगी, सीरीज वाई एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी, और सीरीज वाई एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी। इफ एंड ओनली इफ का केस है दोनों साइड में, ठीक है। अब हिंदी में लिख देता हूँ मैं एक बार, क्या यदि सीरीज एक्स एन तथा सीरीज वाई एन दो धनात्मक श्रेणी हैं, दो धनात्मक श्रेणियां हैं, तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इजल टू एल, और l कैसा है, परिमित व अशून्य, परिमित व अशून्य, इसका मतलब क्या है, फिक्स वैल्यू मिलेगी, इन्फिनिटी नहीं मिलेगी और जीरो भी नहीं मिलेगी, जीरो और इन्फिनिटी को छोड़कर के कुछ भी बन जाए l, कोई दिक्कत नहीं है। देन तब यदि समेशन एक्स एन अभिसारी है तो समेशन वाई एन भी अभिसारी होगा। नेक्स्ट है यदि समेशन एक्स एन अपसारी है तो समेशन वाई एन भी अपसारी होगा। यदि समेशन वाई एन अभिसारी है तो समेशन एक्स एन भी अभिसारी होगा। और यदि समेशन वाई एन अपसारी है तो समेशन एक्स एन भी अपसारी होगा। क्या है, अगर हमारे पास समेशन एक्स एन और समेशन वाई एन दो धनात्मक श्रेणी हैं तथा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू अगर एल आ रही है, जो कि जीरो भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है, जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ करके कुछ भी हो सकती है एल की वैल्यू, तब मैं क्या बोलूँगा, अगर एक्स एन अभिसारी है तो वाई एन भी अभिसारी होगा, एक्स एन अपसारी है तो वाई एन भी अपसारी होगा, वाई एन अभिसारी है तो एक्स एन भी अभिसारी होगा, और वाई एन अपसारी है तो एक्स एन भी अपसारी होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट है, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, वीडियो को रोक करके पॉज करके एक बार लिख लेना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं एक बार के लिए।
क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट माना एक्स एन बराबर वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन। चेक करना है कि ये हमारे पास कैसी सीरीज है। तब सीरीज एक्स एन के अभिसरण की जांच कीजिए, अभिसरण की जांच कीजिए, क्या बनेगा? देन चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन एक्स एन। अब समेशन एक्स एन सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहला तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट होता है वो सोचेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट होता है कि इसको हम इसकी सारी सारी टर्म्स का सम निकाल लें। तो इसका देखना, पहली बात तो क्या बनेगा यहाँ पर, x1 क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 1 बाई 2। x2 क्या बनेगा, 1 बाई 3। x3 क्या बनेगा, 1 बाई 4। और x4 क्या बनेगा, 1 बाई 5। तो इन सभी टर्म्स का सम निकालना, इन सबको जोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहाँ तक जोड़ते रहोगे, नहीं बनेगा। फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप एस एन निकाल लो, एन पदों का योग निकाल लो, एन पदों का योग निकालोगे तो भी इनको जोड़ना पड़ेगा, वो भी हमारे पास थोड़ा ठीक सा नहीं बैठ रहा। फिर तीसरा रिजल्ट कौन सा होता है कि इसमें डायरेक्ट एक्स एन में डायरेक्ट में आप लिमिट रख करके देख लो एक बार। एक्स एन में अगर डायरेक्ट में लिमिट रखोगे, अगर लिमिट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम कुछ नहीं कह सकते, और अगर लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट है। तो अब हम दूसरा टेस्ट लगाते हैं, कौन सा, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, बोलो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन कितना है, वन अपॉन एन प्लस वन। ये है लिमिट निकालना, एक बार क्या बनेगा, लिमिट निकालने पर हमें वैल्यू मिलेगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या बनता है, जीरो। तो बताओ वैल्यू जीरो आई क्या? हाँ, डायरेक्ट अगर आप लोग एक्स एन में लिमिट लगाते हैं और वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम कुछ नहीं कह पाते हैं। अगर वैल्यू यहाँ पर जीरो के अलावा कुछ भी आ जाती, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाती तो मैं क्या बोलता, डाइवर्जेंट है। लेकिन यहाँ पर जीरो आई है तो मैं क्या बोलूँगा, कांट से अबाउट, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एक्स एन, एक्स एन सीरीज की के अभिसरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। समेशन एक्स एन के अभिसरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर कंपैरिजन टेस्ट बनाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट बताओ कैसे बनाओ, इसे छोटा बड़ा बनाना है वो बना लो, या फिर हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, ये अभी अभी जो हमने पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। तो मैं बोलूँगा लेट, लेट क्या, वाई एन, लेट वाई एन बराबर वन अपॉन एन। तब यहाँ पर है माना, यहाँ है देन समेसन वाई एन इजक्ल टू क्या मिलेगा, समेसन वन अपॉन एन मिलेगा। ठीक है, तो बोलूँगा यहाँ एक्स एन बराबर कितना है, वन अपॉन एन प्लस वन है, तथा वाई एन बराबर कितना है, वन अपॉन एन है। अब मैं एक्स एन अपॉन वाई एन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बोलूँगा लिमिट, नाउ अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू क्या बनेगी, ताकि ये वाला रिजल्ट मैं लगा सकूँ। तो एक्स एन अपॉन वाई एन क्या बनेगा, देखना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन कितना है, वन अपॉन एन प्लस वन है, अपॉन वाई एन कितना है, वन अपॉन एन। इसको मैं चेक करता हूँ, अब इधर की साइड से मैं रफ कर देता हूँ। वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इजक्ल टू, बोलो यहाँ से क्या बनेगा, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखना ये अपॉन का अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन अपॉन वन, ऊपर नीचे से देखना
ऊपर एन टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैसी फॉर्म होती है? डज नॉट, सॉरी, अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती है हमें। तो जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा तो मैं बोलूँगा ऊपर जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, नीचे जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकालो और ऊपर नीचे से काट दो। तो ऊपर इन्फिनिटी कौन बन रहा है? एन। नीचे भी कौन बन रहा है? एन। ध्यान रहे, लिमिट लगाने से पहले काट दूंगा, लिमिट लगाने के बाद काटोगे तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से काटना माना जाएगा, जिसके हम नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से नहीं काट सकते हो। अभी लिमिट लगाने से पहले तो ये क्या है? एन है, एन को तो एन से काट सकता हूँ लेकिन इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से नहीं काट सकता। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से देखना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से तो एन और नीचे से एन को मान लूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ तो बनेगा वन और आगे बनेगा वन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल हो गया है। अब वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अंदर बनेगी वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी रखते ही वन अपॉन एन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन वन, तो वैल्यू कितनी आई, वन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू कितनी आई है, वन आई है, जो कि क्या है, जीरो है क्या? जीरो नहीं है। तो मैं बोलूँगा एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू, अगर हमारे पास एक्स एन अपॉन वाई एन की जो लिमिट है वो अगर हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलती है, नॉन जीरो फाइनाइट मतलब जीरो और इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी मिलती है, तो बताओ ये जीरो और इन्फिनिटी के अलावा ये क्या? हाँ, तो मैं बोलूँगा तो हम क्या बोलेंगे, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्या बनेगा, अगर समेशन वाई एन कन्वर्जेंट है तो समेशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी, एंड इफ समेशन एक्स समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट, समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो समेशन एक्स एन भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। समेशन वाई एन अगर डाइवर्जेंट है तो समेशन एक्स एन भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। अब हम समेशन वाई एन के बारे में चेक कर लेते हैं। समेशन वाई एन देखो कहाँ है, ये रही समेशन वाई एन। समेशन वाई एन क्या मिल रही है, समेशन वन अपॉन एन, तो एन की पावर देखो पी है क्या, हाँ, तो यहाँ पर वन अपॉन एन टू दी पावर पी। पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है कि अगर पी की वैल्यू हमारे पास वन या वन से छोटी मिलती है तो सीरीज डाइवर्जेंट मिलती है, और पी की वैल्यू अगर वन से बड़ी मिलती है तो कन्वर्जेंट मिलती है। तो यहाँ पर पता ना पी कितना है, वन है, वन पर तो क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट मिलेगा। तो मैं बोलूँगा एंड वी नो दैट, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सीरीज वाई एन इज इक्वल टू सीरीज वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट। समेशन वाई एन डाइवर्जेंट है किससे, बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से हमारे पास क्या आया है, डाइवर्जेंट आया है। अब देखो वाई एन अगर डाइवर्जेंट है तो एक्स एन भी क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट मिलेगा। तो ये मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, अब आता है, सो समेशन एक्स एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन एन प्लस वन इज आल्सो डाइवर्जेंट। हिंदी में है, अतः समेशन एक्स एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन एन प्लस वन भी अपसारी है, भी अपसारी है। ठीक बात है, ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमें एक डाइवर्जेंट सीरीज मिलती है, ओके, ये हमारे पास इसका प्रूफ है, और इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब मैं नेक्स्ट आपको जो रिजल्ट बच रहे हैं, जो टेस्ट बच रहे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता करके लिखवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता रहेगा। पीछे की जितनी भी क्लासेज में पढ़ाया गया है वो आपको साथ साथ में याद होना चाहिए, अगर साथ वाला याद नहीं रहेगा, पीछे वाला याद नहीं रहेगा, तो फिर आप लोगों को बड़ी दिक्कत आ सकती है सीरीज वाले में। ठीक है, बड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर आपको पीछे का सारा कुछ याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर हमारे पास सही सब कुछ सही चलता रहता है। एग्जाम्पल या फिर नेक्स्ट टेस्ट है, अब हमारे पास
कंपैरिजन टेस्ट थर्ड, तुलनात्मक परीक्षण तृतीय, तुलनात्मक परीक्षण थर्ड, तुलनात्मक परीक्षण थर्ड क्या बनेगा देखना। यह हमारे पास है कि इफ समेशन एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एंड समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वाई एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, टू पॉजिटिव टर्म्स सीरीज एंड एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू सॉरी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू जीरो है। पहले हमने क्या लिया था, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू ली थी कि इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर जीरो आ गया है तो क्या होगा हमारे पास, तो मैं बोलूँगा दैट इज जीरो है देन, देन क्या मिलेगा फर्स्ट। अब ये देखना एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू जीरो आई है, इसका मतलब एक्स एन में भी कुछ एन होगा, नीचे भी कुछ एन होगा। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो बताओ जीरो कब मिल सकता है, जब नीचे की साइड में ज़्यादा एन हो, जब नीचे की साइड में ज़्यादा एक्स्ट्रा एन बच रहा है तो उस एन की जगह पर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो टोटल वैल्यू को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। इसका मतलब नीचे की साइड में एक एन एक्स्ट्रा है, नीचे की साइड में एन एक्स्ट्रा, इसका मतलब एक्स एन तो छोटा है और वाई एन बड़ा है। ये तो मतलब हुआ एक्स एन छोटा है वाई एन बड़ा है, तभी तो एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये टोटल वैल्यू जीरो आएगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ से हमें क्या दिमाग में रखना है कि इस वाले केस में हमारे पास एक्स एन तो छोटा बनता है और वाई एन क्या बनता है, बड़ा बनता है। और जब एक्स एन छोटा होता है वाई एन बड़ा होता है तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट लगता है, तब हम बोलते हैं कि अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट है, छोटी वाली कन्वर्जेंट है तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और अगर हमारे पास बड़ी वाली डाइवर्जेंट है तो छोटी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और छोटी वाली डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली डाइवर्जेंट होगी। तो ये वाला केस लगाऊंगा, तो मैं बोलूँगा इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट तो समेशन एक्स एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, सेकेंड इफ समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट देन कांट से अबाउट समेशन एक्स एन, एक्स एन समेशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। थर्ड इफ समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट तो समेशन वाई एन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, कांट से अबाउट समेशन वाई एन। फोर्थ है हमारे पास कि इफ समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट, सॉरी अगर ये कन्वर्जेंट है, समेशन एक्स एन अगर कन्वर्जेंट है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो समेशन वाई एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन, अगर समेशन एक्स एन छोटी वाली ही डाइवर्जेंट होगी तो बड़ी वाली भी क्या बनेगी डाइवर्जेंट, तो समेशन वाई एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। समेशन वाई एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है ये है हमारे पास। अब हिंदी में लिख देता हूँ मैं इधर की साइड में, सभी लोगों को लिखते रहना साथ में, ठीक है। ये बनेगा यदि समेशन एक्स एन तथा समेशन वाई एन दो धनात्मक पदों वाली श्रेणियां हैं तथा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन बराबर जीरो है, तब क्या मिलेगा। तब हम क्या बोलेंगे, नीचे वाली टर्म ज़्यादा होगी तभी तो जीरो बनेगा पूरा का पूरा, ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली बड़ी बनेगी तभी तो जीरो बनेगा सारा सारा। तो मैं बोलूँगा ऊपर तो क्या है छोटी वाली, नीचे क्या है बड़ी वाली, तो अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट है, अगर बड़ी सीरीज डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, अगर हमारे पास छोटी वाली कन्वर्जेंट है तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और अगर छोटी वाली डाइवर्जेंट है तो बड़ी को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट ही बोलेंगे।